दोस्तों, इंटरनेट के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने समझी हैं, अपनाई हैं और उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेट आज आपको हर जगह मिल जाएगा। आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहाँ आपको इंटरनेट की सुविधा मिल जाती है, तमाम घरों में इंटरनेट है। और जब से ये ऑनलाइन की चीज़ें शुरू हुई हैं कोरोना के दौरान, तो लगभग हर घर में आपको इंटरनेट मिल जाता है। लेकिन इंटरनेट कनेक्शन के साथ साथ कौन सी ऐसी चीज़, कौन सा ऐसा टैलेंट हो सकता है जो आप बिज़नेस के साथ परस्यू कर सकें, ये आज हम आपको बताएंगे। और वो बिज़नेस है ब्लॉगिंग का। कई लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि ब्लॉगर कैसे बनते हैं, ब्लॉगिंग से कैसे आप बिज़नेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखकर आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखिए एक एक पहलू ब्लॉगिंग से जुड़ा हुआ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ब्लॉगिंग क्या होती है। ब्लॉगिंग शब्द वेबलॉग से निकला है। ब्लॉगिंग आज किसी के लिखने का शौक है तो किसी के पढ़ने का, और इसी को ब्लॉगिंग बिजनेस कहते हैं। इसमें अपना कंटेंट लिखने से लेकर उसे प्रकाशित करना और लोगों से शेयर करना शामिल है। ब्लॉगिंग क्यों शुरू करनी चाहिए? अगर आपको लिखने का शौक है या फिर आपको अपने विचारों को लोगों से बांटने का शौक है और आपको लगता है कि लोग अपने विचारों को रुचि से पढ़ेंगे, तो आपको ब्लॉगिंग जरूर करनी चाहिए। या फिर आपको लगता है कि किसी प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बता सकते हैं, उन्हें उसे खरीदना ना खरीदने की सलाह दे सकते हैं, तो आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए। और आपकी यही सलाह आपको ऑनलाइन ब्लॉगिंग बिजनेस में आगे ले जाने में काम करेगी। अगर आप गंभीरता से ब्लॉगिंग बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको फिर इसके लिए टाइम निकालकर अपने विचारों को लोगों से साझा करना होगा। आप वो टॉपिक ढूंढें जिस पर आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं और कुछ बताना चाहते हैं। आपको अपने ब्लॉग को बस एक बार प्रचलित करना है, उसके बाद लोग खुद आपको ढूंढते हुए आएंगे और आपके लेख को पढ़ेंगे और इससे ही आपके पैसे बनेंगे। एडसेंस के जरिए आपको अपनी कमाई के पैसे मिल सकते हैं। वहीं कई बार कुछ प्रोडक्टकर्ता आपको खुद पैसा देंगे ताकि आप उनके बारे में कुछ लिखें और लोगों तक उसे पहुंचाएं। जितने ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे। एक सर्वे में पाया गया है कि 61% लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी सामान खरीदने से पहले इंटरनेट पर उसके बारे में पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं। इसलिए ब्लॉगिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कैसे शुरू करें ब्लॉगिंग? सबसे पहले तो ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले आपको वर्डप्रेस का पूरा इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपको किस तरह से लिखना है ये भी पता होना चाहिए। बस यही आपका निवेश है और यही आपकी पूंजी। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इसका प्रशिक्षण लें। इस प्रशिक्षण के लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इंटरनेट की मदद से ये सब जानकारी हासिल करनी है। ऑनलाइन आर्टिकल पढ़िए या फिर वीडियो देखिए। तो अगर आप इसे शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको और क्या क्या करना होगा ये भी जान लीजिए। सबसे पहले अपने ब्लॉग के लिए सही टॉपिक चुनें। आपको जितनी भी जानकारी है या अनुभव है उसी के अनुसार अपना टॉपिक चुनें। साथ ही खुद के लिए एक टारगेट ऑडियंस का चुनाव करें जो आपको लगता है कि आपके ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। कितने ज़्यादा आपकी टारगेट ऑडियंस होगी, उतना ही आपका ब्लॉग लोकप्रिय हो सकता है। साथ ही ये कोशिश हमेशा करते रहें कि आपके ब्लॉग कोई प्रायोजक मिल जाए। ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का चुनाव करें। अब आपको ये देखना है कि कहाँ और कैसे आपको अपने ब्लॉग लिखने हैं। आपको शुरुआत में किसी भी प्लेटफॉर्म को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर ऐसे कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जो बिना पैसों के ब्लॉगिंग की मदद करते हैं। इनमें ब्लॉगर, वर्डप्रेस, टम्बलर आदि शामिल हैं, लेकिन इनका पूरा नियंत्रण कंपनियों के पास ही रहता है। जबकि खुद की ब्लॉग या वेबसाइट शुरू करने के लिए आपको कम से कम 8,000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। खुद का डोमेन और वेबसाइट बनाने में आपको पैसा लगाना पड़ता है। सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस ब्लॉगिंग नए ब्लॉगर्स के लिए एकदम सही विकल्प है। टॉपिक के हिसाब से अपने डोमेन का चुनाव करें। डोमेन का मतलब है आपकी वेबसाइट या ब्लॉग का क्या नाम हो, यह आपको चुनना बेहद जरूरी है। आप जिस नाम से अपने ब्लॉग को ऑनलाइन फेमस बनाना चाहते हैं, वो ही आपके डोमेन का नाम होना चाहिए। आपका टॉपिक क्या है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके डोमेन एड्रेस से ही लोग आपको पहचानेंगे और आप तक पहुंचेंगे। आपको ये ध्यान रखना होगा कि डोमेन का नाम ज़्यादा लंबा ना हो। कोशिश करें कि डोमेन का नाम ऐसा हो कि लोग उसे पढ़े ही समझ जाएं कि इस ब्लॉग में उन्हें क्या पढ़ने को मिल सकता है। जैसे अगर ब्लॉग हेल्थ पर है तो नाम हेल्थ से मिलता जुलता सही रहेगा। ब्यूटी, लॉ, बिजनेस आदि का नाम होना चाहिए। GoDaddy और बिग रॉक डोमेन बेचने वाली कंपनियां हैं। आपको ये कंपनियां होस्टिंग के साथ साथ डोमेन फ्री में देती हैं। अब आपको ये जानना है कि आपको लिखना कैसे है और आपको उसका प्रमोशन कैसे करना है। डोमेन का काम पूरा हो जाने के बाद आपको अपना कंटेंट लिखना है, और देखा जाए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि ये वो विचार है जो आपकी लिखाई के जरिए लोगों तक पहुंचेगा, जिन्हें पढ़ने के बाद लोग आपसे जुड़ जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी लिखें वो पूरी तरह से ओरिजिनल होना चाहिए। किसी का लिखा हुआ या
चुराया हुआ ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी चोरी पकड़ी जाएगी और फिर हो सकता है कि आपका ब्लॉग बंद कर दिया जाए। कंटेंट ही आपका सब कुछ है, इसलिए कोशिश करें कि कंटेंट को बेहतर बनाएं, लोगों से जोड़ने लायक बनाएं। खुद को बेहतर बनाने के लिए हर तरह की नॉलेज रखें। अपने ब्लॉग का प्रमोशन कैसे करें? अपना ब्लॉग प्रमोट आपको ही करना है और तभी आप लोकप्रिय हो सकते हैं। उसके लिए अपने ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करें। ब्लॉग को बुकमार्किंग साइट जैसे scoop.it, रेडिट आदि पर सबमिट करें। सोशल मीडिया पर भी अपने ब्लॉग का प्रमोशन करें। अपने ब्लॉग के नाम से सोशल मीडिया पेज भी बनाएं और वहां से भी लोगों को अपने ब्लॉग से जोड़ें। आपसे मिलते जुलते लेख लिखने वालों को भी संपर्क करते रहें, उनके कमेंट बॉक्स में अपने लेख का लिंक पोस्ट करें और लोगों से उसे पढ़ने की रिक्वेस्ट करें। सोशल मीडिया आदि की मदद से पेड ऐड चलवाएं। ये सब करने से आपके ब्लॉग की रेंज बढ़ेगी और ज़्यादा लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। अब आपको बताते हैं कि कैसे मिलते हैं ब्लॉगिंग के पैसे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे ही आपने ब्लॉगिंग करना शुरू किया आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। पैसे का सीधा रिश्ता लोगों से है। जितने लोग आपके ब्लॉग से पढ़ते हैं उसी हिसाब से आपकी आमदनी हो सकेगी। तो सिर्फ लिखना ही आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे लोगों तक पहुँचाना भी आपको आना चाहिए। ब्लॉगिंग की भाषा में बोले तो जितना ट्रैफिक होगा उतनी ही आपकी कमाई होगी। ट्रैफिक का मतलब है कितने लोगों ने आपके लेख के लिंक को क्लिक किया, कितनों ने पूरा पढ़ा, ये सब। इसलिए ब्लॉगिंग शुरू करने के बाद 3 से 4 महीने तक तो पैसों के बारे में सोचना बेकार है। जैसे ही आपके ब्लॉग का एक भी लेख हिट हो जाता है वैसे ही आपके बाकी ब्लॉग्स पर भी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा और आपको पैसे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा, ब्लॉग बिजनेस में ट्रैफिक ही सब कुछ है। तो देखा आपने कि किस तरह से ये ब्लॉगिंग का बिजनेस आपको रातों रात घर बैठे बिठाए आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ जो है वो आप छू सकते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा सेटअप भी नहीं लगाना है। तो आप इस बिज़नेस को घर पे बैठ के शुरू कर सकते हैं। इवन कि अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो उसके साथ भी पैरेलली आप इस बिज़नेस को चला सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप हमें ज़रूर लिखिए। यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप कोई भी कमेंट लिख कर बिज़नेस को लेकर हमें बता सकते हैं कि कौन कौन से बिज़नेस आइडियाज़ आपको और देखने हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।